चोट कैसे लगी तुम्हें? तू चल, अंदर चल। अरे तूने बोला था कि गाड़ी खराब हो गई, तो ये सब कैसे हो गया? अरे काई तुरी बोल। वो हाँ, वो मैंने कहा था ना गाड़ी खराब हो गई थी, किसी तरीके से चला रहा था, फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया, किसी से लिफ्ट लेके आना पड़ा मुझे। गाड़ी खराब हो गई थी तो हमें फोन कर देता, हम दूसरी गाड़ी भिजवा देते, और तुझे खराब गाड़ी लेकर जाने की जरूरत क्या थी? बप्पा ना करे, तुझे कुछ हो जाता तो। अरे काय बोलती तू सुरेखा, अरे बप्पा को थैंक्स बोल, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। सोच ईशान, ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? इसमें सब गलती आप लोगों की है। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लड़के की शादी अगर बिना बैचलर पार्टी के होगी तो वो अपना एक्सीडेंट करवाएगा ही। प्रतीक दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे ईशान दादा एक रॉकिंग बैचलर पार्टी तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। अरे होगी ईशान के लिए बैचलर पार्टी, क्यों नहीं होगी? धूमधाम से होगी, प्लानिंग से होगी, और प्लानिंग करेगा प्रतीक। ये हुई ना बात, मस्ती की गारंटी मेरी। देख लो रेवा, सबके सामने बात हो रही है तो ज्यादा तहकीकात मत कर। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है फिर, जितनी बैचलर पार्टी करनी है कर लो, सेलिब्रिटीज बुलाओ, प्रिटी प्रिटी गर्ल्स बुलाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ उन सब में ईशान हमेशा अपनी रीवा को चुनेगा, है ना ईशान? देखो बैचलर पार्टी तो होती रहेगी, अभी संगीत शुरू होने वाला है, गेस्ट आने वाले हैं, बहुत काम है, सब लोग काम पे लग जाओ। और सुरेखा इसको रेडी करा के ला जल्दी से। हाँ हाँ। ईशान तेरा सूट निकाल कर रखा है, चल तैयार हो जा, आ जा, आ मेरे साथ आ। ये सारे बैग्स रीवा के हैं। अब तुझे रीवा के लिए जगह बनानी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अलमारी में जगह बनानी पड़ेगी। देख कितने सारे कपड़े हैं उसके। तुझे पता है ये तेरी शादी जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी में हो रही है, वरना मैं तेरा पूरा बेडरूम वार्डरोब सब रीडिजाइन करवाती। देख तो ये सूट, देख रीवा ने पसंद किया है, अच्छा है ना? कह रही थी कुछ ट्विनिंग करोगे तुम दोनों, पसंद अच्छी है उसकी। हाँ, और शादी का जोड़ा भी उसी ने पसंद किया है, बहुत सुंदर है। जब तुम दोनों एक साथ उस शादी के जोड़े में फेरे लोगे ना तो बहुत प्यारे लगोगे।